देखिए चुनाव में जीत और हार तो होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक नीति जन सेवा और देश सेवा के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। यह हमारा अनवरत सेवा का, देश सेवा का, भारत सेवा का नेतृत्व जीत हार कोई मायने नहीं। DIP का अलग लड़ना कहीं भारी नहीं पड़ गया, कुछ नहीं, जीत हार तो होता है। और हम जीत से हम निराशा में नहीं जाते हैं, जीत से आगे की विजय का राह ढूंढते हैं। आए थे आगे चढ़ाइए और माननीय जन प्रतिनिधियों के साथ भोजन करने की मेरी बहुत दिल इच्छा थी, तो मैंने उस समय कहा था कि चुनाव के बाद हम आएंगे। जन प्रतिनिधियों ने भारी मतों से हमारे संतोष कुमार सिंह भाजपा और इनके प्रत्याशी को विधान परिषद के चुनाव में जिताए, इसलिए हम उनका आभार भी व्यक्त करने आए हैं और सम्मान भी व्यक्त करने आए हैं। साथ 23 अप्रैल को बाबू भीमराव सिंह के विजय उत्सव पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आदरणीय गृह मंत्री जी जगदीश मुखी पधार रहे हैं, उस दिन तिरंगों के साथ अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ जुटेंगे। और मुझे विश्वास है कि उस दिन तिरंगा एक साथ जुट कर मिलकर लोगों के द्वारा जो तिरंगा लहराया जाएगा और माननीय गृह मंत्री जिस समय तिरंगे का ध्वजारोहण करेंगे उस समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होगा। और 75,000 झंडे के साथ जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष है इसलिए घोषित हुई थी, लेकिन जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है लगता है कि विश्व रिकॉर्ड तिरंगा 23 अप्रैल को एक साथ फहराने का बनेगा, यह मुझे विश्वास है। और जो 75,000 से ज़्यादा जो 75वें आज़ादी के वर्ष रिकॉर्ड पर मनाने का जो लोगों ने मन बनाया था अब लगता है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक तिरंगे के साथ चौधरी मंत्री जी भी बोचहा कर त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि जो वोट दिया था उनको धन्यवाद देने आए और उनसे आग्रह भी करने आए हैं। आदरणीय अमित शाह जी जो 23 अप्रैल को श्री शाहबाद की धरती पर आ रहे हैं, सब लोग उस दिन सहयोगी बनकर तिरंगा यात्रा में शामिल हैं।